इंसान की खलवत आज गुना उलूद है, आज हमारी तन्हाइयां गुनाहों से भरी हुई है। जब इंसान खलवत में डरता है, अल्लाह अर्श पे उसके तज़किरे करता है, अल्लाह उसको मुकाम ऐसा देता है कि दुनिया में मिस्र के तख्त पे यूसुफ को बिठा देता है। खलवत में डरे थे, अजीज़े मिस्र की बीवी ने दरवाजे बंद कर लिए थे, हई तलक कहा था, आगे से जवाब आया, قال ماذا الله मुझे बुराई की दावत देती है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे उससे बड़ा डर लगता है। खलवत में यूसुफ अलैहिस्सलाम डरे, अल्लाह ने कहा मैं इसकी कीमत डालूंगा, मैं आपको इसका मुकाम दूंगा, और अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बना दिया। खलवत में डर के देखे तो सही, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खलवत का एक और फायदा सुनिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लो, क़यामत का दिन होगा सूरज एक मील के फासले पे होगा, एक मील के फासले पे, और पसीना इतना होगा। आका अली सलातो सलाम फरमाते हैं किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की नाफ तक, और किसी की ठोड़ी तक, और किसी के मुंह को पसीने ने लगाम डाली होगी। इस कदर गुनाहों में जिस कदर गुनाह होंगे उसी कदर पसीने के अंदर गोते खा रहे होंगे, लेकिन उस बंदे की जिंदगी के और उसके मुकाम के क्या कहने, जब अरबों खरबों लोग आज सिर्फ 7.25 अरब आबादी है, उस वक्त सारी कायनात के लोग खड़े होंगे अल्लाह के दरबार में, अल्लाह प्रोटोकॉल देगा, अल्लाह आवाज लगाएगा, कहां है वो मेरा बंदा जो दुनिया में रहते हुए खलवत में डरा था, खलवत को पाक किया था, आज मैं उसको अपने अर्श का साया नसीब करता हूं। وَرَجُلٌ دَاتُهُ اِمْرَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ। ओ मेरे नौजवान भाइयों, आज हम किन चक्रों में पड़ गए, आज इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया, आज ख्वातीन के पीछे हम भागते हुए नजर आते हैं, अगर दुनिया में अपनी जिंदगी को पाक कर लेंगे, आज एमपीए एमएनए से सलाम लेने पे फख्र करते हैं कि हमारा ताल्लुक किसी एमपीए चेयरमैन के साथ है, जरा सोचिए अगर दुनिया में ताल्लुक अल्लाह से बनाएंगे तो क्यामत वाले दिन अल्लाह प्रोटोकॉल कैसा देगा, सबके सामने बुलाएगा और लोग धूप में खड़े होंगे, अल्लाह इसको अपने साए के नीचे खड़ा कर देगा। कौन सा बंदा, वह रजुलुन दातु इमरतुन जातो मनसबिन व जमालिन फकाल इन्नी अखाफुल्ला, वो आदमी जिसको किसी हसीन खूबसूरत औरत ने बुराई की दावत दी, फकाल इन्नी अखाफुल्ला, कहने लगा मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, अल्लाह को इसका जुमला इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे खड़ा कर देगा। और इसी हदीस में सातवां बंदा, वह रजुलुन ज़ाकरल्लाह खालिया, तन्हाई और खलवत को अल्लाह की याद में गुजारने वाले हम बन जाए, कीमत मेरा रब डाल देगा। कहा वह रजुलुन ज़ाकरल्लाह खालिया, वो बंदा जो तन्हाई में अलैदगी में रात की तारीकी में रात के अंधेरों में लोग सोए हुए हैं, ये तन्हाई में गुनाह नहीं करता, ज़ाकरल्लाह खालिया तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का नाम लेता है, कभी सजदे में पड़ा है, कभी रकू में है, कभी हाथ उठा के अपने रब को याद करता है। फफाजत ना, आज किसी की मोहब्बत छिन जाए आंसू बहा लेते हैं, दोस्ती टूट जाए आंसू बहा लेते हैं, लेकिन अल्लाह की याद में आंसू बहा लिए, अल्लाह के डर की वजह से आंसू बहा लिए। अल्लाह के नबी अली सलातो सलाम फरमाते हैं ये तन्हाई में रोने वाला अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अर्श के साए के नीचे खड़ा कर देगा।